यार वो बिल्ली देखी सामने, ये मेरे से डर के भाग रही है। ये देखिए ये छुप गई है मेरे से यहाँ पे। माओ बिल्ली कहाँ हो? भागी 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 भागी। और तेरी खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यार काफी दिन बाद हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से, नेदी भाई कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, वीडियो नहीं आ रही वीडियो नहीं आ रही। तो यार मैं आप लोगों के लिए, जो मैंने आपको बोला नहीं था लास्ट वीडियो में कि मैं नया कंटेंट एक सोच रहा हूँ, उसके बारे में कुछ बनाने का सोच रहा हूँ। तो मैंने इतने दिनों से ये बना रहा था, आपके भाई ने देखे पूरा सेटअप बनाया है, और अब इंशाल्लाह हम यहाँ पे इस जगह पे जू बनाने वाले हैं। मैंने सोचा था यार टाइम तो लग जाएगा, लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह आपका भाई डेली हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यार ये छत पे कितना सामान पड़ा हुआ है, एक केज हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखें इसकी हालत क्या हुई हुई है। लेकिन सर कोई नहीं, अभी हमें वैसे भी बहुत सी ज़्यादा केजीज बनाने हैं, तो हम जो है केजीज बनाएंगे अपने इस जगह पे पूरी। ये आप देख रहे हैं ये सारा केजीज से हम लोग भर देंगे पूरी जगह को, और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त से परिंदे लेकर आने वाले हैं हम लोग, और इस जगह को भी हम पूरा क्लियर करके यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा केजीज भरने वाले हैं। अभी फटाफट से जो है यहाँ पे शेड तो हमने बना लिया है, अभी हम सोच रहे हैं कि टाइम को ज़ाया ना करें और फटाफट कोई ना कोई काम स्टार्ट लिया जाए यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केज का सामान लेने, हम आज कोई ना कोई केज लाजमी बनाएंगे। तो यार मौसम भी देखो कितना प्यारा हो रहा है, और इस मौसम के आज मज़े हम लोग फुल उठाने वाले हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है और सुबह के 12 बज रहे हैं। इस टाइम यहाँ पे बहुत ही कड़क धूप होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप होती है, तो हमने यही सोचा था कि क्यों ना हम अपने परिंदे लाने से पहले यहाँ पे अपना पूरा एक शेड तैयार कर लें, ताकि हमारे परिंदों को भी यहाँ पे रहने में आसानी हो। तो यार ये गमले शमले भी पड़े हुए हैं, इस तरह की हम पूरी ग्रीनरी भी यहाँ पर बिछाएंगे। और आप काफ़ी सोच रहे होंगे यार छत बहुत छोटी है, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें। एक दफ़ा आपकी सपोर्ट हमारे पास आ गई तो हम इंशाल्लाह अपने सेटअप को पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर लेंगे। ये तो अभी छोटा सा सेटअप है हमारा, हमने बोला क्यों ना हम इससे स्टार्ट लेके जाएं, ले क्यों ना हम इसको स्टार्ट लें, और आगे अगर आप लोग की सपोर्ट हुई इंशाल्लाह तो हम एक बहुत ही बड़ी जगह पे ये सेटअप बनाएंगे अपना पूरा। तो अभी जो है बस मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अपने घर के नीचे से, ये आप देखें हमारी छत पे से नीचे का कितना नीचे व्यू देखें। ये आप जो बेल देख रहे हैं ये हमने इतनी सी लगाई थी, इतनी सी जड़ लगाई थी इसकी, और अभी देखिए माशाल्लाह कहाँ तक आ चुकी है, पूरी 4 मंजिला क्रॉस होने वाली है। मैं तो बोलता हूँ यार ये थोड़ी और ऊपर आ जाए ताकि हम अपने शेड तक इसको ले जाएं, और ये बहुत ही प्यारी लगेगी। अभी फटाफट नीचे निकलते हैं, केज का सामान लेकर आते हैं। वो यहाँ से भी देखें कितना अच्छा व्यू आता है माशाल्लाह। तो यार अगर आप लोगों की सपोर्ट हुई ना इंशाल्लाह, तो ये जो पूरा जो काड़ कबाड़ आप देख रहे हैं ये हमने स्टोर टाइप यूज़ किया हुआ है, तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे भी पूरे के पूरे जानवर और केजेस भर देंगे, या हम इंशाल्लाह अपना सेफ्टी रूम बना लेंगे। अगर आप लोगों की सपोर्ट हुई तो इस जगह को भी हम पूरा यूटिलाइज़ कर लेंगे, और यहाँ पर भी इंशाल्लाह पूरे के पूरे केजेस भर देंगे। अभी ये ऐसी खाली पड़ा रहता है, और यहाँ पर हमारा सारा ज़रूरत का सामान होता है। गेट को जो है बंद कर देता हूँ। तो हम लोग लकड़ियाँ लेने निकल चुके हैं, अभी फटाफट केजिस का सामान लेने जा रहे हैं। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह यार, और यार गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा रोड पे कम है, रश भी कम है। इस बंदे को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बंदा बहुत ही प्यारा हमारा मोटा मिला राइनो भाई है। तो अभी फटाफट हम लोग लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, और बारिश भी आ सकती है, तो फटाफट आ गए लकड़ियाँ और अपना केज बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम लोगों ने लकड़ियाँ ले ली थी और सारा सामान ले लिया था, और अभी पिंजरा बनाना भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे कारपेंटर साहब भी आए हुए हैं। कारपेंटर साहब कब तक बन जाएगा पिंजरा? कल तक बन जाएगा भाई, कल तक बन जाएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ियाँ हम लोगों ने ले ली हैं और पिंजरा बनना स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल। और यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बनी भाई आपके लिए हम पिंजरा बनवा रहे हैं, वो वाला आपको उसके अंदर रखेंगे हम, सही है? परफेक्ट है। जल्दी 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 और के
तो यार अभी टोटल 3 केजीज बन रहे हैं, 1 केजी इधर बनेगा, 1 केजी इधर बनेगा, 1 केजी इधर बनेगा। बाकी हमने सोचा बने बनाए ले लेंगे यार, बनाने में तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। और अभी जो है साफ़ सफाई भी करेंगे, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। और रात में हमें बारबेक्यू पार्टी भी करनी है इधर, फटाफट रात हो जाए ताकि हम बारबेक्यू पार्टी भी इधर करेंगे, इधर लगाएंगे अपना पूरा सेटअप। तो अभी रात होने में काफ़ी टाइम है, जब तक हमारा पिंजरा भी रेडी हो चुका हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि रात में दोबारा बारिश आ जाएगी। तो यार काफ़ी मेहनत चल रही है और मुशक्कत चल रही है, और कारपेंटर साहब सारे मिलके लगे हुए हैं केजीज बनाने में। हमारा एक फ्रेम बन चुका है, ये रहा हमारा एक फ्रेम, और ये दूसरा फ्रेम अब बन रहा है, अंदर आएगी। तो फटाफट ये फ्रेम बनाते हैं, इंशाल्लाह रात तक केजीज पूरे तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी जो है खाने पीने का टाइम है, बस चाय ब्रेक होने वाला है, शाम हो चुकी है, चाय ब्रेक होगा पहले, उसके बाद काम को कंटिन्यू करेंगे। यार चाय का टाइम हो गया, अभी सारे ब्रेक ले रहे हैं चाय का। एक कप चाय आया है। यार दोस्तों ये लुक आया हमारे पिंजरे का, और मैं अंदर पहले ही बंद हो गया हूँ, अभी बाहर से जाली लगाएंगे सारी और मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ। देखो ऐसा लगा अंदर, एक हम परिंदा ये लेकर आए हैं। क्या बात बोली आपने। A few moments later. भाई काम मुकम्मल होने ही वाला है, बस ये जावेद साहब लगे हुए कोशिश में, और ये हमारे बाबा लगे हुए। भाई जावेद साहब कितना टाइम लगेगा? और भाई डेढ़ घंटा लगेगा कम से कम। डेढ़ घंटा? तो पार्टी कब शुरू करेंगे हम? लगेगा पार्टी जो है अगले हफ्ते पे ले जाओ। पार्टी अगले हफ्ते पे नहीं, आज ही करेंगे। लेट नाइट करना, पार्टी लेट नाइट नहीं हो सकती। लाइट भी जाने वाली है, 8:30 बजे लाइट चली गई। फाइनली गाइस यार हम लोगों का पिंजरा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और जावेद मियां साहब की बहुत ज्यादा ही मेहनत है। तो जावेद साहब आपको कितना टाइम लगा पिंजरा बनाने में? भाई माशाल्लाह ये 4 घंटे में पिंजरा तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके लिए हम फटाफट जानवर लेकर आएंगे, तो ये आप लोग देखेंगे पिंजरे के अंदर स्पेस कितनी ज्यादा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यहाँ पे मैं तो सोच रहा हूँ मोर का बच्चा लेकर आ जाऊँ। तो यार आप पहले बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा जानवर लेकर आए इस पिंजरे के अंदर? भाई पहले तो हम आपको एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं। कौन सा? अगर आप बोले तो जानवर। अच्छा हाँ, आपकी भी तो पूरी कॉलोनी। हाँ। आप उसमें से कौन सा जानवर हमें गिफ्ट करेंगे पहले ये बताएं। हम आपके लिए जानवर लाए, आप थोड़ा कैमरा नीचे ले जाए। लेकर आ गए? जी जी, इस खाने का है ये देखे। अरे ये जानवर आ गया भाई। अबे भाई क्या हो गया? अरे ये जानवर कैसे आ गया? और ये पहली बात, ये जानवर अंदर कैसे गया है? यही तो टेक्निक है। इतना बड़ा तो गेट भी नहीं बनाया था हमने, जितना बड़ा आप जानवर लेकर आ गए अंदर। अबे वो जानवर किसको कह रहा भाई? हाँ पिंजरा तो बहुत पसंद आया। दो खाने खा लिए, जानवर भी हमें बहुत पसंद आया। ये जानवर का है। हाँ दो परिंदे आएंगे। हाँ उधर आपके जो भी डाल, मैं यहाँ पे कबूतर रखूंगा या मुर्गियाँ रखूंगा, और यहाँ पे पांडा है हमारा पास। और ये खाना बचा है इंशाल्लाह, ये खाना भी तैयार, यहाँ पे हम इनको बंद करेंगे। वो बैठा हुआ। तो यार अभी जो है रात बहुत हो चुकी है इंशाल्लाह, अब हम करेंगे बारबेक्यू पार्टी। सो अभी बस निकलते हैं और यहाँ की सफाई वफाई करते हैं। जानवर बाहर आ रहा है, जानवर बाहर आ रहा है। अबे नहीं कर, अबे टूट जाएगा, अबे टूट जाएगा, अबे टूट जाएगा। बाहर आ, जानवर भाग रहा है, जानवर भाग रहा है। जानवर पला है, अपना पला हुआ है, कहीं नहीं जाएगा। तो यार अभी सफाई वफाई करते हैं और फटाफट से जो है बारबेक्यू की तैयारी करते हैं। तो ये सारी जो है चीते समेट लो बेटा इंशा, और इंशाल्लाह अब हम जानवर लाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं पहले फर्स्ट जानवर को हमारे पास कौन सा आता है, परिंदा आता है या फिर जानवर आता है कोई। सो 3 केजीज हमारे पास आ चुके हैं, और 1 केजी हमारे पास वो कोने में रखा हुआ है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह सेट करके उसको भी यहीं कहीं पर सेट कर देंगे। तो अब मिलते हैं आपसे बारबेक्यू पार्टी में। One hour later. काफी रात हो चुकी है और अब जो है ना हमारा बारबेक्यू सेटअप यहाँ पे पूरा लगने वाला है। हमने जो पिंजरा बनाया उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है, रात में हो सकता है बारिश आ जाए। सब कुछ ऊपर लेकर आ गए बेटा हमजा। यार ये प्लेटें चम्मच भी आ गए हैं, और सब ये सलाद भी आ गई है। चेक के देखता हूँ, भूख बहुत ही ज्यादा लग रही है। तो चूल्हा अरेंज करते हैं, उसमें कोयले जलाते हैं। तो फटाफट से जो है मैं चूल्हा लेकर आता हूँ। तो यार फटाफट से जो है ना कोयले और चूल्हे हम लेकर आते हैं। तो ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, वो कोयले कहाँ है, कोयले कहाँ है, सीखे धुल रही है कोयले। ये हमारी अंगेठी आ गई है, फटाफट ले आओ, पूरे 1 साल बाद निकल रही है अंगेठी हमारी। लाओ मैं देव, मैं लेके जा रहा हूँ, आओ फटाफट कोयले लेकर आ जाओ। आप और चीजें लाओ नीचे से भाई, तकरीबन सब कुछ ही ऊपर चले गए। मेरे को ये सीखे मिली है, तो फटाफट मैं सीखे ऊपर लेके जाता हूँ। और ये हमारी अंगेठी भी आ गई है, ये सीके भी आ गई हैं, ये और भी बहुत सारी सीके आ गई हैं। सीके नहीं लाए थे नीचे से।
सीखे आप लाए हो? नहीं मैं ये वाली लाया हूँ, मैं ये वाली लाया हूँ ना। तो यार ये फटाफट जो है ना, हमने ये कोयले इसके अंदर डाल दिए। सीखे नहीं लानी, माचिस भी लानी है, माचिस सिर्फ सीखे नहीं लानी। ये सिर्फ कोयले अभी हमने डाल दिए हैं, अब इसको आग लगाने के लिए कोई आंटी चाहिए। मोहल्ले में देख लेता हूँ आग लगाने वाली कोई आंटी तो नहीं है। यहाँ से वहां तक मेरे को कोई आंटी नहीं दिख रही है आग लगाने वाली, तो अभी माचिस से ही काम चलाना पड़ेगा। भाई आंटी नहीं मिलनी तो पुप्पो को बुला लो। बात तो सही है। आंटी ना पुप्पो, हम किसी के साथ आग नहीं लगाने वाले, हम माचिस से ही आग लगाएंगे। तो यार ये बल्ब जो है ना बार बार बनबुज हो रहा है, तो इसको भी कोई ना कोई सेटअप करना पड़ेगा। अभी जो है फटाफट कोयले जलाते हैं और देखते हैं आग लगती है कि नहीं लगती इससे। ये मेरे को यार आग नहीं लग रही, तो किसी खाला वाला का नाम लो, शायद जल्दी लग जाएगी। मैं जो है ना सीके पे बोटियां लगा रहा हूँ और बिलाल वहाँ पे आग लगा रहा है, और अभी तक उससे आग लगी ही नहीं है। तो मैं अभी जब तक कैमरा बंद करता हूँ, लग गई है भाई आग, लग गई है भाई, लग गई है। तो जब तक मैं जो है कैमरा बंद करता हूँ, क्योंकि ये दो हाथ से काम होता है, तो कैमरा बंद करता हूँ अभी। तो यार सीखे मैंने लगा दी थी, काफ़ी हद तक बन चुकी हैं और उतर भी चुकी हैं। अभी इसको खाने का टाइम है और देखे कैसे धुआं उड़ रहा है ज़बरदस्त तरीके से। अब मैं इसको लपेटने जाता हूँ। क्या बाइट बन रही है वो तो अब खाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। मेरी तो बस हो गई है, बस बहुत लपेट दिया, अच्छा खासा लपेट दिया, जबकि मेरे को मना था। लेकिन अभी भी एक सीख आपके भाई के हाथ में है, बहुत जूसी लग रही है कबाब है ये तो। मैं फटाफट इसको लिमटाता हूँ। और लाइट भी चले गई थी, मैं आपको दिखाना भूल गया था, मैं ये भी बताना भूल गया था कि आइटम में क्या क्या था हमारे पास। हमारे पास बिहारी कबाब थे, इसके अलावा बिहारी बोटी थी और चिकन टिक्का था, जो कि हम अब तक सब कुछ लपेट चुके हैं। अब फटाफट खाते हैं, हो सकता है जब तक लाइट भी आ जाए, तो फटाफट इसको लिपटाता हूँ मैं। यार फाइनली हम लोगों ने बारबेक्यू पार्टी कर ली है, बहुत ही ज्यादा मजा आया। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल मिस्टर डेजी को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह ऐसी फनी फनी कॉन्टेंट आते रहेंगे, और ये बल्ब भी बंद होना नहीं बंद होगा। बाय बाय।